जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में। देखिए, प्रोफेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है चार्ट में, बिकॉज हम जब प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द आयन, इट इज द अर्थ आयन। ठीक ठीक है, जैसे कि हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एक आयन होता है लाइफ का। प्रोफेशन के बारे में अगर हम स्टडी करना है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन एज ए होल। एंड आज के डेट में प्रोफेशन एक बहुत बड़ा चीज है। एंड आप देखोगे, देर आर ए डाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ प्रोफेशन आर देयर। सो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना प्रोफेशन के बारे में आज के डेट में डिफिकल्ट होता है, बट आई विल टेल यू द प्रोसेस बाई विच यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोफेशन एज ए होल। तो प्रोफेशन के लिए हम क्या करते हैं, 10th हाउस को देखते हैं, 10th लॉर्ड को देखते हैं, D10 एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंड उन लोगों का स्ट्रेंथ के हिसाब से हम बोलते हैं कि प्रोफेशन अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। ठीक है, बट आज हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे। ठीक है, आज का प्रोफेशन एनालिसिस करने के लिए जो हम बार चार्ट यूज कर रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन से ये लिया हूँ। ठीक है, एंड ये नेटिव, ये जो क्वेश्चन था, व्हाट विल बी माय प्रोफेशन, ये कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन था, व्हाट विल बी माय प्रोफेशन। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, अगर प्रोफेशन में प्रॉब्लम है तो कौन किस तरीके का प्रॉब्लम है, एंड हाउ वी नीड टू डील विद दैट। ठीक है, तो आज देखिए, आज जो वर्ड डिटेल हम यूज कर रहे हैं वो बर्थ डिटेल है 1370 सितंबर 1980 का 11 AM मॉर्निंग में उनका बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। ठीक, ये बर्थ डिटेल है। एसेंडेंट बन गया आपका, लग्न बन गया है स्कॉर्पियो। ठीक है, एंड लग्न लॉर्ड इज इन दी 12th हाउस, एक लग्न लॉर्ड 12th हाउस में है, एंड दूसरा केतु, केतु 3rd हाउस में है। एंड आप अगर अरुणा लग्न की बात करेंगे तो आप देखिए, मार्स इज विथ ए प्लैनेट, सो मार्स इज सिलेक्टेड एज एज द लग्न लॉर्ड, बिकॉज केतु इज अलोन, सो मार्स हैव ए एडिशनल वोट ऑफ मून, सो वी कैन से द अरुधा लग्न विल बी, अरुधा लग्न विल बी वर्गो। ठीक है, 10th हाउस में अगर हम देखेंगे, सन 10th लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, वेरी गुड। ठीक है, जुपिटर सेकेंड लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड इज इन द 10th हाउस। ठीक है, एंड ये चार्ट का हम देखेंगे, आत्मा कारक इज जुपिटर एंड अमर्त्य कारक इज सन, एंड दोनों का डिग्री देखोगे 27 एंड 27 0 27 00, ये 27 00। आप देखोगे जुपिटर इज जस्ट हायर डिग्री देन सन, तो आप देखोगे जुपिटर यहाँ पर टोटल कॉम्बस्ट हो गया है। ठीक है, जुपिटर इज टोटली कॉम्बस्ट, तो सेकेंड हाउस, 5th हाउस का, 6th 5th हाउस का जो सिग्निफिकेंस है वो टोटली कॉम्बस्ट हो गया, जुपिटर कॉम्बस्ट हो गया है, आप समझ रहे हो ना। जब एंड दूसरा चीज है, जब हम देख रहे हैं एक आत्मा कारक, अगर हम आत्मा कारक चर कारक को यूज करेंगे, देन आत्मा कारक एंड अमात्या कारक दोनों एक हाउसेस है, हाउसेस में है, 10th हाउस में है, तो इट इज ए गुड योगा। आत्मा कारक एंड अमात्या कारक अगर कॉन्जेंट बनता है, ये राज योगा देता है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं जुपिटर इज टोटली कंबस्ट विद सन। ठीक है, दूसरा है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम देखेंगे चर कारक का डिग्री एक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो आत्मा कारक जुपिटर है एंड उसका डिग्री 27 09 है, 27 09 है, एंड अमात्या कारक जो है 27 00, तो सन अमात्या कारक है, ये 27 09, ये 27 00, तो दोनों का डिग्री सेम हो गया। तो यहाँ पर एक इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि आफ्टर सम टाइम दिस सन विल ट्राई टू बिकम आत्मा कारक, वो अपना जगह खाली छोड़ के वो आत्मा कारक बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब ये अपना, जब सन बिकम्स आत्मा कारक, ठीक है, तो ये अमर्त्य कारक का प्लेस वैकेंट हो जाएगा।
एंड वह एक बार अमर्त्यकारक का प्लेस वैकेंट हो जाएगा तो नेचुरली जो अमर्त्यकारक है वो उसके प्लेस में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल अमर्त्यकारक जो होता है वो होता है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर जब स्वर्ण आत्मा कारक बन जाएगा, जुपिटर बिकम्स अमात्या कारक। एंड जुपिटर का डिग्निटी चार्ट में डिपेंड करेगा ये अमात्या कारक का एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए जुपिटर का डिग्निटी क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एकदम कॉम्बस्ट है। ठीक है, अमात्या कारक का रोल होता है ही इज द मिनिस्टर, ही इज द मिनिस्टर इन द चार्ट। तो आप देखोगे अमात्या कारक का प्लेस वैकेंट हो गया है एंड जुपिटर का डिग्निटी अच्छा नहीं है, सो हम बोल सकते हैं देर विल बी प्रॉब्लम इन प्रोफेशन, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, अभी हम और एक चीज देखेंगे, 10th लॉर्ड सन है। ठीक है, 10th लॉर्ड सन है, 10th हाउस में जुपिटर है। ठीक है, ये पर्सन का प्रोफेशन हम लोगों को पता नहीं, बट जब हम प्रोफेशन को इन डेप्थ देखने की कोशिश करेंगे तो हमेशा आप मून से 10th हाउस को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर अगर मून को हम स्टडी करेंगे तो मून ये लिब्रा का मून है, उसका 10th हाउस में वीनस इज विथ राहु, वीनस इज विथ राहु एंड देर इज ए परिवर्तन योगा बिटवीन दिस मून एंड वीनस। ठीक है, एंड ये जो साइन है ये कैंसर का साइन है। ठीक है, 10th लॉर्ड फ्रॉम मून इज ए चरण साइन, सो ही विल वर्क अवे फ्रॉम होम। ठीक है, वो हमारा जो घर से बहुत दूर में उसका जॉब लगेगा। अगर वो वीनस एंड राहु के डिरेक्शन में जाएगा देन ही विल गेट सपोर्ट, स्पेसिफिकली वीनस, बिकॉज देर इज ए परिवर्तन योगा विथ मून एंड वीनस। एंड हम बोल पूछ सकते हैं कि या हमारा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो उसके लिए हमको 10th, एक सेकंड, हमको जाना है D10 में, दशमांश में जाना है। दशमांश में देखिए इन D10 उसका 7th हाउस जो बिजनेस का हाउस एम्प्टी है, कोई प्लैनेट नहीं है। एंड लग्न लॉर्ड, D10 का लग्न लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, सो बाय चॉइस ही विल डू सर्विस, बिकॉज जब लग्न लॉर्ड बनता है 6th हाउस वो अपने चॉइस से सर्विस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर D10 में D1 का 10th लॉर्ड का डिग्निटी देखिए, D1 का 10th लॉर्ड हो गया सन, सन का डिग्निटी यहाँ पर केतु युक्त है, तो हम सन केतु ग्रहण योग बनता है, तो ये डिग्निटी अच्छा नहीं है। D1 का लग्न लॉर्ड, D10 का लग्न लॉर्ड मून इज इन दिक्स हाउस, सो ही विल डू सर्विस एंड ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है बाय चॉइस, उसके पास ऑप्शन रहेगा कि बिजनेस कर सकता है सर्विस, तो बाय चॉइस ही विल डू सर्विस। ठीक है, अगर D10 की बात करेंगे ये सर्विस में इन्वॉल्व रहेगा, एंड D10 की अगर हम बात करेंगे तो 9th में देखिए मार्स है एंड 5th में राहु है, तो मेलिफिक्स प्रेजेंट इन D10 10th हाउस, D10 9th हाउस एंड 5th हाउस शोज दैट ही विल नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विथ हिज बॉस और सबोर्डिनेट्स, जो उसका बॉस के साथ या उसका नीचे जो काम करते हैं उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, एंड हमेशा यहाँ पर और एक चीज को आप ध्यान रखिए, जब हम D10 को एनालाइज करते हैं, D1 का 10th लॉर्ड जो है, D1 का 10th लॉर्ड जहां पर है उसको आप मार्क कर दीजिए, यह हाउस को मार्क कर दीजिए। ठीक, यहाँ से सेकेंड एंड सेवन आर मार्क हाउसेस, तो ये दो चीज वो नेटिव प्रोफेशन में नहीं करना चाहिए, पहला है सैटर्न दूसरा है राहु। ठीक है, ये दो कार्ची, राहु शोज चीटिंग, सैटर्न का शोज सरो, ही नीड नॉट, मतलब ही मतलब उसको क्या करना है, वो दूसरों को प्रोफेशन में मतलब गाली, मतलब हम सेटन का इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, जैसे कि सेटन शो करता है सौरव को, वो उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आइसोलेशन आइसोलेटेड प्लेस में काम नहीं करना चाहिए, ही विल नॉट फील गुड। एंड राहु चीटिंग को शो करता है, चीटिंग वगैरह प्रोफेशन में नहीं करना चाहिए, तब जाके उसका प्रोफेशन अच्छा बनेगा। तो कौन सा चीज वो प्रोफेशन में कर सकता है,
तो उसके लिए हमेशा आप याद रखिए, मून से 10th हाउस में जो प्लैनेट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मून से 10th हाउस में वीनस है जो परिवर्तन योगा कर रहा है, सेकंड है राहु है, तो ही कैन गो इन गो प्रोफेशन, ही कैन चूज और डू प्रोफेशन रिगार्डिंग टू वीनस, लाइक मेडिकल लाइन में जा सकता है। एंड अगर मेडिकल लाइन में नहीं है तो वीनस जैसे कि इंटीरियर डिजाइन, नहीं तो स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकता है, नहीं तो फाइनेंशियल सेक्टर्स में जा सकता है, यू कैन डू प्रोफेशन इन दो सेक्टर्स। अगर वीनस राहु का अगर कंजक्शन बात करेंगे सो अगेन ही कैन गो इन टू मीडिया ऑल्सो, क्योंकि राहु शो करता है मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन को, ठीक है, वेयर ही हैज टू कम, ही हैज टू फेस, ही हैज टू डील विद द फॉरेन पीपल्स, ओके। हाँ, होटल इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है एंड टूरिज्म सेक्टर में भी हो सकता है, वेयर ए लॉट ऑफ फॉरेन पीपल्स आर कमिंग, ठीक है। तो ये वाला चीज, सब चीज ये रिलेटिव कर सकता है। एंड हमेशा 10th लॉर्ड फ्रॉम मून को स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। 10th लॉर्ड क्या है? मून है। देखिए यहाँ पर मून का डिग्निटी, ये परिवर्तन योगा है मून और वीनस का, बट आप देखिए मून इज विथ मार्स, मून किसके साथ है? मार्स के साथ है, जो मून को डेबिलिटी करता है। अगर मून का परिवर्तन योगा भी हम कंसिडर करेंगे तो आप देखोगे मून इधर आने से भी मून राहु का कंजक्शन बनता है, ठीक है, जो उसको इक्लिप्स करता है, तो समहाउ मून का डिग्निटी अच्छा नहीं है। ही नीड टू वर्शिप द मदर, माँ गौरी, माँ दुर्गा, ठीक है। नेक्स्ट है, आप जब भी ऐसे चार देखते हो, D9 को ऑब्वियसली देख लीजिए। D9 क्या शो करता है ना? उसका भाग्य शो करता है, ठीक है, भाग्य। D9 क्या शो करता है? भाग्य शो करता है। तो D9 में देखिए 4th हाउस में वीनस है, ही इज ए वेरी गॉड बिलीविंग पीपुल। मर्क्यूरी 10th हाउस में है, ओके, फाइनेंशियल ऑल्सो बी गुड, बट यहाँ पर देखिए सन अमात्या कारक है, सन अमात्या कारक है, सन से 6th हाउस शोज द प्लेस ऑफ पार्ल देवता, ठीक है। तो जैसे कि हम सन से 6th हाउस काउंट करेंगे तो ये हो गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये इस हाउस में कोई नहीं है, इसका लॉर्ड वीनस है। सो माँ लक्ष्मी, यू कैन वर्शिप माँ लक्ष्मी एज पालन देवता, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आत्मा कारक से 7th हाउस में कुछ नहीं है, लग्न से 9th हाउसेस में कुछ नहीं है। एंड आप अगर ये चार्ट को एनालाइज करेंगे नॉर्मली, इसके आगे हम जाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इसमें BTR हम नहीं किए हैं, बार टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं किए हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए सौन या अमात्या कारक से जो 6th हाउस में रहेगा वो पालन देवता बनेगा। एंड अगर कोई प्लैनेट है जैसे कि मान लीजिए जुपिटर है, देन ही कैन गो फॉर लॉर्ड शिवा, वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा और गुरु मंत्र, गुरु दत्तात्रेय, गुरु व्यास, वेद व्यास, ऐसा जुपिटर को अपीच करना है, बिकॉज ही इज द पालन देवता, ही विल गिव यू द फूड सो दैट यू कैन ईट, ओके। चार्ट में हमेशा 5 देवता ऐसे होते हैं, जैसे कि इष्ट देवता, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर सोल, धर्म देवता, हु विल गाइड यू टू फॉलो द पाथ ऑफ धर्म, देन पालन देवता, हु विल हेल्प यू टू गेट फूड एंड ईट, देन योर ग्राम देवता एंड इष्ट ग्राम देवता एंड कुल देवता, द प्लेस वेर यू आर रिसाइडिंग, वो जगह का जो देवता एंड कुल देवता, आपका जो फैमिली डिटी होते हैं कुल देवता, ठीक है। नॉर्मली इन इंडिया जो ग्राम देवता कुल देवता ये तो ऑलमोस्ट सबका होता है, ठीक है, बाकी 3 को आपको निकालना है बेस्ड ऑन चार्ट। एंड आप देखेंगे D10 में जो 5th हाउस है, अगर इसको प्रोफेशन में नया तरीके का प्रोफेशन ढूंढने की कोशिश करेगा तो D10 में, D10 का जो 5th हाउस है, जैसे कि ये D10 है, D10 का 5th हाउस हो गया स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का जो ज्योतिर्लिंग है वो वाला मंत्र ये रिपीट कर सकता है, नमः शिवाय नमः उष्णेश्वराय, ये वाला मंत्र को ये जाप कर सकता है, ठीक है। बट देखिए नॉर्मली अगर हम बोलेंगे नेटिव विल हैव प्रॉब्लम इन हिज प्रोफेशन, बिकॉज देर इज ए ग्रह युद्ध इन द 10th हाउस, फर्स्ट
D1, ठीक है। दूसरा है, अगर मून को अगर देख के चलेंगे देन ही कैन गो इन द लाइन ऑफ वीनस एंड राहु, एंड मून को वो स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए बिकॉज टेम्पलर फॉर्म मून इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशन, ठीक है। ही कैन वर्क अवे फ्रॉम होम, ही कैन वर्शिप माँ लक्ष्मी, ओके। एंड इस तरह आपको जब प्रोफेशन देखते हैं तो एक पिन पॉइंट प्रोफेशन बनना बहुत ही डिफिकल्ट है, एज लॉन्ग एज यू ओवरऑली उसको उसको अगर उसके बारे में पता होगा देन आप बता सकते हो ये प्रोफेशन करेगा, नहीं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंटली से दैट ही विल बी ए डॉक्टर, ही विल बी ए इंजीनियर। और एक चीज बता सकते, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अरुधा लग्न, जब हम अरुधा लग्न की बात करेंगे, अरुधा लग्न से 9th एंड 10th ये दो हाउस को देखेंगे, अगर ये दो हाउस का लॉर्ड परिवर्तन योगा यानी योगा बनाते हैं तो डेफिनेटली ही विल बी ए पब्लिक फिगर फिगर लाइक ये नेटिव का अगर 9th हाउस होता है विनस का, 10th हाउस होता है मर्क्यूरी का। एनी हाउ मर्क्यूरी एंड विनस इफ दे हैव एनी एक्सचेंज और सम काइंड ऑफ थिंग देन डेफिनेटली द नेटिव विल हैव ए पब्लिक फिगर, ठीक है। यहाँ पर उस तरह का कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होता है। अरुणा लग्न का 12th हाउस में जो प्लानेट है वो एक्सपेंसेस को शो करता है, 11th हाउस का जो प्लानेट है वो गेन को शो करता है, तो यहाँ पर वीनस एंड राहु दीज आर दी टू प्लानेट्स बाय हुई ही विल गेन। एंड अगर स्थिर राशि देखेंगे तो 8, 11, 2 कोई प्लानेट नहीं है, तो ये दोनों प्लानेट से ही वो नेटिव गेन करेगा, ठीक है। तो ये नेटिव नॉर्मली ये नेटिव को जुपिटर वीनस ये वाला पार्ट में ही विल बी स्पेंडिंग मनी ओवर ईयर, ही विल बी मैन स्पेंडिंग मनी इन टैक्सेस, ही विल बी स्पेंडिंग मनी टू गवर्नमेंट, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो हाँ, ये और एक चीज है, दिस नेटिव कैन ऑल्सो डू सर्विस फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि इन D10 में 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस ये जो अर्थ त्रिकोण हाउस में मून रहेगा देन पॉसिबिलिटी ऑफ दैट द नेटिव में have to deal with government people in his profession, like he may be a government servant or he can involve in such kind of profession where the native will deal need to deal with the government people. So friends, देखिए इस तरह आपको जो profession देखना है इस तरीके से आप देख सकते हो। Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.